बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, इस चैप्टर में हमने आगे के सब पॉइंट्स देखे, मीन देखा और मीडियन देखा। मीन के भी सब टाइप्स हमने देखे ना, वेटेज मीन, कंबाइंड मीन, जियोमेट्रिक मीन, और मीडियन के भी हमने पार्ट्स देखे, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। अब चैप्टर का आखिरी पॉइंट हमें देखना है, जो पॉइंट है मोड, मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये तीन ही चीजें आती है ना, मीन, मीडियन, मोड। मीन और मीडियन के बारे में हमने समझ लिया, आज लास्ट पार्ट ही हम लोग देखें, जो पॉइंट है हमारा मोड के बारे में। मोड पता है आपको, लास्ट ईयर 10th में ये मोड आता था ना, तो उसके लिए हम लोग सिंबल लिखते थे जेड, याद है, मोड को जेड का सिंबल देते थे। लेकिन हमें अब मोड का सिंबल देना है MO, है तो वही, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है, कोई मेथड चेंज नहीं है, लास्ट ईयर जो मोड गिनते थे वैसे ही गिनना है, बस इस मोड को हमें अब ये MO सिंबल देना है। मोड कैसे ढूंढते हैं, तो मोड ढूंढने के लिए जो फॉर्मूलाज है ना, कि अगर रॉ डेटा दिया हुआ हो ना, रॉ डेटा मतलब कि सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसीज नहीं, खाली नंबर होते हैं ना जो, फ्रीक्वेंसीज नहीं, कि अगर सिर्फ रॉ डेटा दिया हुआ हो ना, तो फिर मोड होता है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, तो वो मोड कहलाया। रॉ डेटा में सिंपल ना, मोड जो है वो सबसे सिंपल है। अगर रॉ डेटा दिया हुआ हो तो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब कि जिसमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज हो, क्लास नहीं, कहते ना एक्स और एफ दिया हुआ हो, क्लास नहीं है, 0 to 10, 10 to 20, ऐसे क्लास नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ नंबर और उनकी फ्रीक्वेंसी हो, तो उसमें मोड कैसे ढूंढते हैं, तो इसमें मोड ढूंढते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो ना, उसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन या उसके सामने वाला नंबर, वो मोड कहलाया। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला नंबर, वो मोड कहलाया, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब के जिसमें प्रॉपर क्लास दिए हुए हो, कि जिसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो सिर्फ उसमें ये मोड की फार्मूला लगाते हैं। जो मोड की फार्मूला आती है L+FM-F1/2FM-F1-F2 × C। आपको याद हो तो यही फार्मूला लास्ट ईयर 10th में भी आती थी, बस उसमें FM की जगह F1-F0, 2F1-F0 ऐसे लिखते थे, यहाँ खाली नाम बदले हुए हैं, फार्मूला वही है, रूल वही है, ठीक है। तो इनमें समझेंगे FM किसे कहते हैं, F1 किसे कहते हैं, बराबर। तो ये सिर्फ फार्मूला नोट कर लो कि जब सिर्फ क्लास दिए हुए हो ना, तो ही हमें मोड की फार्मूला लगानी है, नहीं तो मोड डायरेक्टली फाइंड होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरी इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो फार्मूला है कि कभी अगर क्लास दिए हुए हो ना, ध्यान देना सिर्फ क्लास के लिए, अगर जब भी क्लास दिए हुए हो और उसमें जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो, ये कंडीशन याद रखना कि व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, आपको पता है क्लास दिए हुए होते हैं, पास में फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, यहाँ 0 to 10, 10 to 20 ऐसे क्लास होते हैं सब, और यहाँ सब फ्रीक्वेंसी होती है, कि अगर उस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर हो, समझो सबसे बड़ा नंबर 18 है, और वो 18 अगर रिपीट हो रहा है ना, दो बार हो रहा है ना रिपीट, तो फिर मोड की जो आगे हमने फार्मूला देखी ना, L+FM-F1, वो फार्मूला नहीं लगेगी, कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो, फ्रीक्वेंसी में अगर सबसे बड़ा नंबर रिपीट हो रहा हो, या तो, और क्लास लेंथ आर नॉट इक्वल, या तो क्लास लेंथ अगर इक्वल ना हो, क्लास लेंथ जैसे कोई क्लास 0 to 10 है, फिर किसी का जो है वो ये 10 to 15, 5 का गैप है, किसी में 6 का गैप है, किसी में 10 का गैप है, मतलब कि अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, या तो अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, दूसरी कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट हो तो चलेगा,
सबसे बड़ा नंबर ही अगर फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहा है तो मोड की आगे वाली फार्मूला नहीं लगेगी, उसके लिए फिर मोड की ये एम्पिरिकल फार्मूला लगती है। एम्पिरिकल फार्मूला ये भी आपको लास्ट ईयर आती थी शॉर्ट सम्स के लिए, जो फार्मूला आती है एम ओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। याद है लास्ट ईयर एम ओ की जगह जेड लिखते थे, जेड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार आती थी ना ये शॉर्ट फार्मूला, मीन मीडियन मोड तीनों साथ में। तो यहाँ पर भी अब वैसे ही ये ध्यान रखो कि अगर फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर रिपीट हो रहा है या तो फिर अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो मोड के आगे वाली फार्मूला नहीं ये वाली फार्मूला लगेगी। और इस फार्मूला के लिए पहले हमें मीन ढूंढना होगा एक्स बार, जो हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में ढूंढा था ना मीन, सिंपल फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वो फार्मूला से। फिर मीडियन ढूंढना होगा, मीडियन के लिए आगे की एक्सरसाइज में हमने ये जो फार्मूलाज देखी थी एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी, वो मीडियन की फार्मूला। और मीन और मीडियन ढूंढ के फिर उस पर से ये मोड ढूंढेंगे, बरोबर ना। तो जब ये कंडीशन हो ना कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है या तो क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज नोट कर लो पहले। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 3.5 शुरू करें, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 शुरू करें, मोड की और चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन 1 में ऐसा दिया हुआ है, द आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर सब नंबर दिए हुए हैं कि स्टूडेंट की आईक्यू लेवल्स दी गई है, किसी की 146, किसी की 134, किसी की 143, उस पर से हमें मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल ढूंढने। मॉडल वैल्यू मतलब कि मोड फाइंड करने हैं हमें। तो मैंने जैसे बताया कि जब ये सिंपल नंबर्स हो ना, ऐसे ये सिंपल नंबर दिए हुए हैं तो उसके लिए मोड में कोई फार्मूला नहीं आती, सिर्फ देखा जाता है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। जैसे देखो यहाँ 146 दो बार रिपीट हो रहा है ना, 146 दो बार, या 138 है वो 138 तीन बार रिपीट हो रहा है, बरोबर, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ 138 इज रिपीटेड 3 times, 138 तीन बार रिपीट हो रहा है, विच इज मोर देन द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ अदर ऑब्जर्वेशन, जो बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा है, बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशन तीन बार रिपीट नहीं हो रहा है ना। सो लिखेंगे मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल एम ओ इक्वल टू 138, सबसे ज़्यादा बार 138 रिपीट हो रहा है तो वही मोड का आंसर, कि मोड इक्वल टू 138 डायरेक्ट मिल जाएगा ना इसमें। मैंने बताया ना इसके लिए कोई सम्स करने की जरूर नहीं है, अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन हो तो, ये रॉ डेटा कहलाया। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ केक सोल्ड ईच डे एट अ बेकरी, फाइंड द मोड ऑफ सेल ऑफ केक। कि यहाँ पर नंबर ऑफ केक, यहाँ क्वेश्चन में जो है वो टेबल में नंबर ऑफ केक और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, कि 10 केक बिके ऐसे कितने दिन थे, तो 5 दिन ऐसे थे जिसमें 10 केक बिके, कि 12 केक सेल हुए ऐसे 9 डेज थे, ऐसे सब दिया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन। अब ये देखो ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्लास नहीं दिए हुए, तो इसके लिए भी फार्मूला यूज नहीं करनी। मोड कैसे ढूंढते पता है, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है ना नंबर ऑफ डेज, उस नंबर ऑफ डेज में फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 25। तो 25 के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन हुआ ना वो हमारा आंसर, ठीक है। इसमें डायरेक्टली कर रहे हैं 25 के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो हमारा आंसर हुआ, तो आंसर कौन सा हुआ, ये 13। तो नीचे वही लिखेंगे कि एज इंस्पेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज शोज दैट द ऑब्जर्वेशन 13 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25। कि इंस्पेक्शन मतलब चेक करने से पता चला
कि 13 ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मतलब 13 ऐसा नंबर है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो आंसर 25 नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होती, आंसर तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसीलिए मोड फॉर सेल ऑफ केक, मोड कितना हुआ, 13 हुआ, ये 13 आंसर। समझ आई ना ये भी बात? ठीक है ना, जब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो ना तो भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करनी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जैसे 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने वाला नंबर। ठीक है, ये हुआ ना। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 48 पर्संस इन एन ओल्ड एज होम इज गिवन बिलो, विच फॉर्मूला विल बी अप्रोप्रिएट टू फाइंड द मोड वाई फाइंड द मॉडल एज ऑफ पर्सन इन अ ओल्ड एज होम यूजिंग द फॉर्मूला यू हैव चूजन। यहाँ पर जो टेबल में दिया हुआ है ना उसमें एजेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, कि भाई ओल्ड एज होम में 50 to 60 एज वाले कितने लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं। 60 to 65 वाले ओल्ड एज होम में कितने रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। ऐसे ये इंफॉर्मेशन है ना। पहले तो चेक करना है कि इसमें कौन सी फॉर्मूला अप्रोप्रिएट होगी। लिखा हो ना विच फॉर्मूला विल बी अप्रोप्रिएट टू फाइंड द मोड, कि कौन सी फॉर्मूला लगेगी। दो फार्मूला थी ना, एक तो वो सिंपल मोड वाली फार्मूला और दूसरी वो एम्पेरिकल फार्मूला, कि यहाँ कौन सी फार्मूला लगेगी वो बताओ और फिर उस फार्मूला से फाइंड करो। तो कौन सी फार्मूला लगेगी पता है, वो कैसे चेक करते हैं, तो वो दो चीज़ों से चेक करते हैं। कि सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब ये नंबर ऑफ पर्सन, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट तो नहीं हो रही। हर सम में पहले ये चेक किया करो, पहली ना पहली चीज ये चेक किया करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19, तो 19 रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर दूसरी चीज चेक किया करो कि क्या ये सब क्लास, तो उन क्लास की क्लास लेंथ इक्वल है, क्या सबकी क्लास लेंथ इक्वल है, या 50 to 60 10 का गैप है, 60 to 65 5 का गैप है, 65 to 70 ये भी 5 का गैप, 70 to 85 15 का गैप हो गया, ये भी 85 to 100 15 का गैप है। मतलब कि यहाँ पर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। तो अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ही लगेगी। हमने आगे कंडीशन बताई कि अगर फ्रीक्वेंसी रिपीटेड होती या तो फिर क्लास लेंथ इक्वल नहीं होते तो एम्पेरिकल फार्मूला, अगर सब क्लास इक्वल होते ना तो फिर जनरल फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला लगाते। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मतलब वो कौन सी, 3m-2x बार, वो फार्मूला से। तो इसके लिए अगर मोड ढूंढना है ना, तो पहले हमें मीडियन और मीन ढूंढना होगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कि यहाँ पहले लिखें कि हियर द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर नॉट सेम, सो वी कैन फाइंड द मोड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, एम ओ इक्वल टू 3m-2x बार, ये फार्मूला से ढूंढना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एम ओ जो हमें ढूंढना है, तो पहले एम और ये एक्स बार, ये दो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे द फॉलोइंग कैलकुलेशन आर कैरिड आउट टू फाइंड द मीन एंड मीडियन, सबसे पहले मीन और मीडियन के लिए ये ढूंढे। तो याद है पहले, सबसे पहले अगर मीन ढूंढे तो मीन कैसे ढूंढते हैं, मीन की फार्मूला आती है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला मत भूलना, पहली एक्सरसाइज में थी। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो उसके हिसाब से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। आपको क्लास दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, हमें पहले x ढूंढना होगा, x मीन्स मिड वैल्यू ढूंढनी होगी हमें। मिड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, तो ये जो क्लास दिया हुआ है ना उनमें दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 50 plus 60 110 डिवाइड बाय 2, तो ये 55, फिर 60 to 65 तो 60 and 65 125 डिवाइड बाय 2, तो 62.5, ऐसे सब में दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये x की पूरी वैल्यू मिलेगी ना। ये सब वैल्यू मिल जाए ना, तो फिर मीन ढूंढने के लिए यहाँ पर ढूंढेंगे fx, क्या ढूंढेंगे, fx ढूंढेंगे। fx मतलब कि f और x का मल्टीप्लाई,
यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो ऑब्जर्वेशन ये एक्स दिए हुए हैं दोनों का मल्टीप्लाई, कि यहाँ 6 × 55 = 330, 10 × 62.5 = 625, ऐसे सबका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स मतलब इनका टोटल। मीन ढूंढने के लिए ये चाहिए, और मीन के साथ में हमें मीडियन भी तो ढूंढना है ना। तो मीडियन ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियन ढूंढने के लिए चाहिए होता है सिर्फ सी एफ, तो वो भी इसी टेबल में साथ में ही बना लेना, हमें मीन और मीडियन साथ में ही तो ढूंढना है। तो अब सी एफ ढूंढे, सी एफ कैसे ढूंढते हैं? सी एफ तो ढूंढते हैं ये एफ पर से, कि एफ पर से एक एक नंबर प्लस करते जाएंगे ना। पहला नंबर जो 6 है तो वो 6 एज इट इज लिखेंगे, आगे की एक्सरसाइज में ये सब किए ऐसे मत भूलना कि ये 6 तो सेम टू सेम लिखेंगे, फिर प्लस करते जाएंगे। 6 + 10 ये फ्रीक्वेंसी पर से, 6 + 10 = 16, फिर 16 + 19 = 35, फिर 35 + 9 = 44, 44 + 4 = 48, ऐसे मिल गई ये सी एफ की टेबल भी। अब इस पर से मीन और मीडियन ढूंढें। तो सबसे पहले मीन फाइंड कर लें। तो मीन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स आपकी टेबल में एफ एक्स कितना मिला? एफ एक्स मिला 3305 और अपॉन एन, एन मतलब एफ का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था? 48। तो इन दोनों का डिवाइड मिल जाएगा मीन इक्वल टू 68.85। ये मीन का आंसर मिल गया। अब मीन के बाद दूसरा ढूंढना है मीडियन। तो पता है मीडियन ढूंढने के लिए तो आगे की पूरी एक्सरसाइज में सब में यही किया था कि एल सी एफ एफ सी ये सब ढूंढना होता है कि नहीं? सेम फॉर्मूला ही रखेंगे ना, कि यहाँ एन इक्वल टू 48 है। तो सबसे पहले मीडियन ढूंढने के लिए क्लास ऑफ एम, मीडियन क्लास ढूंढेंगे, एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन मतलब 48/2, तो 48/2 24th ऑब्जर्वेशन। तो वो सी एफ टेबल से देखेंगे, पता आगे की टेबल में चेक करते हैं कि उसमें 24 सी एफ में 24 से बड़ा नंबर कौन सा है, और उसके सामने वाला क्लास जो बड़ा नंबर हो उसके सामने वाला क्लास, वो क्लास मिलेगा 65 to 70, ये क्लास मिल जाएगा ना। तो मीडियन क्लास, फिर उस पर से सब वैल्यू, जैसे कि एल की वैल्यू, तो L की वैल्यू ये 65 लोअर क्लास वैल्यू। CF तो वो CF हम लोग टेबल में देखेंगे फिर से, जैसे आगे की एक्सरसाइज में करते थे, कि 65 टू 70 जो क्लास है ना, उस क्लास के सामने एक ऊपर वाला CF लेते हैं। तो एक नंबर ऊपर वाला CF, वो CF क्या मिलेगा? 16। फिर F ढूंढना होता है, फॉर्मूला के लिए F। तो F के लिए ये 65 टू 70 जो क्लास है उसके बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी, तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 19। और फिर सी मतलब क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ 65 टू 70 मतलब कितने का गैप है? 5 का गैप है, सी पे 5। ये सब मिल जाए तो फिर हम लोग ये मीडियन की फॉर्मूला में इसे रखते हैं, L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी। उस मीडियन की फार्मूला में ये सब वैल्यू रखेंगे ना, तो जिससे मीडियन मिलेगा 67.11। ये सब आगे हमने किया है, वैसे ही करना है, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 67.11 मीडियन भी मिल गया। अब फाइनली कि मीन और मीडियन दोनों मिल गया ना, तो अब हम ये मोड ढूंढें। मोड ढूंढने के लिए फार्मूला ये वाली फार्मूला, कि MO इक्वल टू 3m - 2x बार, ये मोड की फॉर्मूला आएगी ना, 3m - 2x बार। तो इसलिए 3 m की प्लेस पर क्या लिखेंगे? m की प्लेस पर 67.11, माइनस 2 और x बार पे क्या लिखेंगे? 68.85। ये x बार आगे ढूंढना ना, 68.85। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करो 201.33, और 2 का मल्टीप्लाई इससे 137.7, दोनों का माइनस 63.63। तो ये मोड मिल गया, ठीक है। तो देखो, जब भी एम्पेरिकल फार्मूला यूज करनी हो ना, तो पहले मीन और मीडियन ढूंढो, फिर ये शॉर्ट फार्मूला से मोड मिलेगा।
तो आखिरी में लिख सकते हैं द मॉडल एज ऑफ पर्सन इन ओल्ड एज होम इज 63.63 ईयर्स। ठीक है, ध्यान आया ये। अब ऐसे दूसरा देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन फोर जस्ट थियरी है, कोई सम नहीं है इसमें। ऐसा लिखा हुआ है, कमेंट ऑन द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा शोइंग द टाइम टेकन इन सेकेंड फॉर 8 कॉम्पिटिटर्स इन अ रनिंग रेस। कि कोई एक रेस है कि जिसमें 8 लोग दौड़ रहे हैं और उनमें सबने कितना कितना टाइम लगाया वो सेकेंड में दिया हुआ है। किसी ने 25 सेकेंड, 25.2, किसी ने 26.5, किसी ने 28.6। तो इस पर से मोड के बारे में पता करना है। देखो ये रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा मतलब सिंपल नंबर्स। इसमें जब मोड ढूंढना हो ना तो वो मोड मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कोई भी नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें मोड मिलेगा नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, हियर नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड सो मोड कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग जनरल फार्मूला। मतलब जनरल फार्मूला सिंपल रूल से यहाँ मोड नहीं मिलेगा। इसमें अगर मोड ढूंढना हो ना ऐसे नंबर्स में तो एम्पेरिकल फार्मूला से ढूंढ सकते हो कि पहले इस पर से मीन ढूंढो, फिर इस पर से मीडियन ढूंढो और फिर मोड वाली फार्मूला 3m-2x बार लगाओ, ढूंढ सकते हो ऐसे। लेकिन वो ढूंढना नहीं है, इसमें सिर्फ कमेंट करके बताना था, मतलब कि सिर्फ लिख कर बताना था कि इसमें डायरेक्ट मोड मिलेगा नहीं। ठीक है, और अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 5। कि क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, द टेबल बिलो शो द डेटा अबाउट वेट्स ऑफ 86 एप्पल फ्रॉम अ गार्डन, फाइंड द मोड फॉर द वेट ऑफ एप्पल्स। कि यहाँ टेबल में जो दिया हुआ है ना वो ऐसा है कि वेट ऑफ एप्पल दिया हुआ है, वेट ऑफ एप्पल ग्राम में एप्पल का वजन और नंबर ऑफ एप्पल्स। कि जिन एप्पल का वजन 120 से 130 ग्राम हो ऐसे कितने एप्पल्स हैं, ऐसे 8 एप्पल्स हैं। जिनका वजन 130 से 140 ग्राम है ऐसे 13 एप्पल्स हैं। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन है ना, इस पर से हमें मोड ढूंढना है। तो मोड ढूंढने के लिए पहले दो चीज़ें चेक कर लिया करो। सबसे पहले क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी गई है मतलब ये नंबर ऑफ एप्पल्स, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये 23 है। तो क्या 23 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि ये जो क्लास दिया हुआ है क्या ये क्लास लेंथ सबकी इक्वल है, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180 और 180 से 190। कि हाँ सब में 10-10 का गैप है, क्लास लेंथ भी सबका इक्वल है। तो इसका मतलब इसमें जनरल फार्मूला सिंपल फार्मूला से मोड ढूंढ सकते हैं। अगर ये क्लास लेंथ इक्वल नहीं होते या तो फ्रीक्वेंसी रिपीट होती तो फिर हम लोग वो एम्पेरिकल फार्मूला लगाते। लेकिन यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको डायरेक्ट मोड मिलेगा मतलब सिंपल फार्मूला से। तो देखो वो फार्मूला यूज़ करें कि यहाँ पर लिखें कि हियर द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर सेम, सबकी क्लास लेंथ सेम है, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिपीटेड। कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रही, सो वी कैन फाइंड मोड बाय जनरल फार्मूला, सिंपल फार्मूला से ढूंढ सकते हैं। तो अब जब सिंपल फार्मूला से इसमें ढूंढना हो ना तो फार्मूला क्या आती है, फार्मूला आती है L प्लस FM। ये फार्मूला याद करने के लिए बता रहा हूँ, याद रखना है ये कि L प्लस FM माइनस F1 अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई C। ठीक है, ये फार्मूला आती है मोड की। तो अब ये जो फार्मूला आती है तो उसके लिए पहले ये सब मटेरियल ढूंढने तो पड़ेंगे ना, और ये सब मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए पहले हमें मोड क्लास ढूंढना होगा। पता है मीडियन में जैसे आप ढूंढते थे ना, तो मीडियन के लिए पहले मीडियन क्लास ढूंढते थे, तो जिस पर से पता चले आंसर किसके बीच में आएगा।
तो यहाँ पर मोड क्लास ढूंढते हैं। मोड क्लास कैसे ढूंढते हैं पता है? मोड क्लास में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो ना उसके सामने वाला क्लास ढूंढते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूँ। मोड क्लास कैसे ढूंढेंगे कि इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23, तो 23 के सामने वाला क्लास वो मोड क्लास होता है। तो यहाँ मोड क्लास कौन सा हुआ? 152, 160। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23 फॉर द क्लास 152, 160। सो मॉडल क्लास या तो मोड क्लास 152, 160। ठीक है, तो अब इस पास से जो हम लोग ढूंढे ना, ये सबसे पहले ढूंढना होता है L। ये L चाहिए फॉर्मूला में, तो L मतलब तो वही लोअर क्लास वैल्यू। तो ये जो 150 to 160 हुआ उसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है? लोअर वैल्यू है 150। तो L पे लिखेंगे ये 150। अब ढूंढेंगे ये तीन चीजें FM, F1, F2। ऊपर भी तो वही ना FM और F1। तो FM, F1, F2 ये तीन चीजें क्या कहलाती हैं? तो देखो मैं फिर से क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि यहाँ जो टेबल दी गई है ना, उस टेबल में जो ये सबसे बड़ा नंबर हुआ ना फ्रीक्वेंसी में, FM ढूंढना है, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी में ही ढूंढेंगे ना, कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसे कहेंगे हम लोग FM। जो सबसे बड़ा नंबर वो FM, उससे ऊपर वाला जो नंबर हुआ ना, उससे पहले वाला नंबर, तो वो F1 कहलाएगा। ये FM सबसे बड़ा नंबर, उससे पहले वाला नंबर F1, तो F1 कौन सा हुआ? 19। और ये FM के बाद वाला जो नंबर हुआ ना, ये F2, तो F2 कौन सा हुआ? 10 हुआ, समझे? तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स में से ये FM वो सबसे बड़ा नंबर कहलाया, ये 23 जो सबसे बड़ा नंबर वो FM कहलाया 23, उससे पहले वाला नंबर F1 19 और उसके बाद वाला नंबर F2 वो 10, समझे ना? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैसे ही कि FM कौन सा हुआ? 23, F1 कौन सा? 19 और F2 कौन सा? 10। कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट टेबल पर से ही लिखना है ना। हम लोग मीडियन के लिए तो CF भी ढूंढते थे, यहाँ मोड के लिए तो CF भी नहीं ढूंढना, डायरेक्ट आंसर। और आखिरी में C चाहिए, C मतलब क्लास लेंथ, तो यहाँ 150 to 160 कितना की क्लास लेंथ हुई? 10 की हुई ना, तो C पर 10। और ये सब वैल्यू मिल जाए ना, तो उसे प्रॉपरली इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो इन वैल्यू को अब जो इस फॉर्मूला में रखें, तो यहाँ फार्मूला में L प्लस FM माइनस F1, 2FM माइनस F1 माइनस F2। तो देखो पहले L पे 150, FM पे 23 माइनस F1 पे 19 अपॉन 2FM, 2FM मतलब 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F1 पे 19, F2 पे 10 और ये मल्टीप्लाई C पे 10। फिर तो सेम कैलकुलेशन होगी कि ये 150 ऊपर 23 माइनस 19 4, नीचे 2 मल्टीप्लाई 23 46 और यहाँ माइनस 19 माइनस 10 तो माइनस 29 मल्टीप्लाई 10। तो ये 150 प्लस 4 अपॉन 46 माइनस 29 17 मल्टीप्लाई 10। तो 150 प्लस इन तीनों का कैलकुलेशन 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 17, तो आंसर 2.35। और 150 प्लस 2.35 तो आंसर 152.35। मीन्स मॉडल वेट फॉर एप्पल्स इज 152.35 ग्राम। मिल गया ना मोड? ये भी जनरल फार्मूला भी समझ में आई ना, जाना है ना कैसे करना है। तो देखो यहाँ अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मीन मीडियन मोड तीनों की सब जो है वो ये फार्मूलाज और मेथड्स हमने देखी। अब जैसे स्टेट के हमने ये सम्स किए ना, इसकी फाइनल एक्सरसाइज के सम्स आप लोग ट्राई करना, सेम टू सेम सम्स है यही मेथड के। अब जैसे स्टेट का आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ऐसे ही स्टेट के अब दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।